बनाओ ना कभी बढ़िया। ये वीडियो पुष्पा पांडे ब्लॉग पे अपलोड होगी और इसके बाद पुष्पा पांडे भी बोलेंगे। तो आप ये बताओ कि यहाँ पे कार पार्किंग के लिए यहाँ ये कार यहाँ खड़ी कर सकते हैं और यहाँ बाइक खड़ी कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करो। हेलो गाइस, यहाँ कार पार्किंग है और यहाँ शुरुआत से चढ़ने की है। ये गुलर भोज का डाउन है जो हम दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, दे नीचे उतरने का रास्ता है। कई रास्ते बने हुए हैं जो नीचे जा रहे हैं दे उतरते हुए देखने के बाद, और आगे हम आपको दिखा रहे हैं। और बोर्ड आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप देखिए ये पुष्पा पांडे ब्लॉग पे आप ये फर्स्ट वीडियो जो ट्रैवलिंग का है बाहर का आप देख रहे हैं, और इसमें सिर्फ पुष्पा पांडे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा और किसी वीडियो में नहीं मिलेगा कि यहाँ से बोर्ड का चार्ज दिखाया जाएगा, बोर्ड का कितना चार्ज यहाँ पर लगता है। 15 कराते ज़्यादा ना। देखिए ये गाइस, ये बोटिंग है और ये बोटिंग करने का रास्ता है, इधर से चलिए। और ये चार्ज है बोर्ड के, अगर कोई भी आए तो यहाँ अपना चार्ज देख लें। हाँ, 250, 300, 400, 500, 100, 200, 250, 300, 350 है। और इसकी टाइमिंग भी है, कितने मिनट तक है ये, कितने किलोमीटर तक है। तो आइए हम बोर्ड दिखाते हैं इधर। और मैं कैमरा मैन हूँ, मैं कैमरा मैन हूँ पुष्पा पांडे जी का। आप पुष्पा पांडे जी, आप बताएंगे कैमरे में आके, ये देखें ये पुष्पा पांडे जी, बताइए। शंकर भगवान की मूर्ति है, इनका प्रणाम करती हूँ, इनका प्रसाद रखा हुआ है बाबा का, और कलर आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ इतना मनोरम जगह है कि बहुत अच्छा देखने में लग रहा है, और ये बोटिंग बहुत ही प्यारी लग रही है। और इसमें वाइट कलर की सबसे बड़ी बोटिंग है, रेड और ग्रीन और स्काई ब्लू, मुझे वाइट कलर की बोटिंग बहुत प्यारी लग रही है। और देखिए यहाँ का पानी, यहाँ मछलियाँ छोटी छोटी हैं जो हमको बहुत अच्छी लग रही हैं। पुष्पा जी बताइए कि यहाँ पे इतनी गर्मी है उसके बाद भी आपको इतना अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर ठंडा मौसम है और यहाँ का पानी के कारण यहाँ ठंडा मौसम है, अच्छा लग रहा है, शांति है, इसलिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं इतनी गर्मी के बाद भी लोगों को यहाँ अच्छा लगता है। और यहाँ आप भी एक बार देखने आइए, अगर नज़दीक हैं तो आप देखने यहाँ आइए, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आने से बहुत शांति मिलती है और शंकर भगवान की कृपा होती है। यहाँ तक देखते जाइए, जहाँ तक ये पानी ही पानी है, और देखने में बहुत ही सुंदर जगह है जो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो पिंक वाली अच्छी लग रही है और इनको वाइट वाली, मुझे वाइट वाली बहुत अच्छी लग रही है, ग्रीन। चलो वापस चलते हैं। वापस चल रहे हैं। ये बोटिंग के ड्रेस हैं, इसको पहनने से
हमें सुरक्षा मिलती है और पहन के हम बोटिंग करते हैं। वहाँ गेट तक चलते हैं लास्ट तक, क्योंकि गेट के लास्ट है ना। यहाँ पे आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती है। अरे कहाँ था तू? ये लास्ट हो गया, ये लास्ट गेट है डैम का, और ये इसके नीचे से पार्क के नीचे है जो लिखा हुआ है, लगाएं कैमरा उधर करो पार्क के नीचे। यहाँ से लास्ट होगी, और यहाँ ऐसे नीचे जा करके आप पार्किंग में जा सकते हैं। वो देखिए गाइस, वही रास्ता जहाँ से कार आ रही है। उनको बहुत दिक्कत भी होती है, बट आपके लिए ये इतनी दूर आई हैं ब्लॉग बनाने के लिए, तो आप सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए। और आशा करता हूँ ये ब्लॉग्स आपको अच्छा लगा होगा, और इससे भी बहुत अच्छी अच्छी ब्लॉग्स आपको पुष्पा पांडे ब्लॉग्स पे दिखेंगी, और मैं आशा करता हूँ इस ब्लॉग को आप वायरल करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा जगह है घूमने का। मुझे लग रहा था ठीक ठाक होगा, बट बहुत अच्छा है। इसको मिनी गोवा भी कहते हैं। अगर आप गोवा नहीं घूमने जा सकते हैं, तो ये मिनी गोवा की तरह है, आप यहाँ के घूम सकते हैं। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, इसको मिनी गोवा कहा गया है, तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। मैंने इस पर सर्च किया था तो मिनी गोवा शो कर रहा था, तो मैं इसलिए आपको सबको बता रहा हूँ। और लास्ट में ये 8 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो लास्ट में आप अपने सब्सक्राइबर्स को पुष्प पांडे जी बताइए कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यहाँ रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, अब बोल दीजिए। ऐसे बोलो जी गाइस, मैंने आपको गुलर भोज का डैम दिखाया, जिसको गोवा का मिनी डैम कहते हैं, और ये देखने में बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे शांति मिली, और मुझे इतना अच्छा लगा कि जैसे लग रहा था कि कोई भगवान का दर्शन हो रहा है, और इतना अच्छा लगा मुझे। तो आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा, और मेरा सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और मेरा सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगी? और कुछ कहना कहाँ, चल नहीं पाती हूँ, इसके बाद भी बावजूद चल रही हूँ। हाँ, तो इसको सपोर्ट करें इनकी वीडियो को।